हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमएलडी एफिलिएशंस। मैं हूं जियरुल खान, सीईओ एंड एडमिशन कंसल्टेंट एमएलडी एफिलिएशन। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं बहुत दिन से ऑफिस में हूं नहीं, आप लोग जानते हैं मैं थोड़ा बाहर में हूं ट्रीटमेंट के लिए। तो आज एक्चुअली हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूँ। मुझे एक अच्छा लगा एक टॉपिक्स को एक चीज़ देख कर, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग सामने आप लोग के साथ ये शेयर करो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिले, आपको थोड़ा फायदा मन होगा। तो आज मैंने जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ खास करके स्टूडेंट के लिए और रिटायर्स के लिए, जो हम आज बेसिकली जो डिजिटल का ज़माना है, हम मैक्सिमम चीज़ जो है हम मोबाइल पे वर्ड फाइल पे या पीडीएफ फाइल पे हम जो स्टडी करते हैं वही रिगार्डिंग आज बात करेंगे। तो स्टडी करने के बाद और रीडिंग करने के बाद कभी कभी हमारा अगर कोई शब्द कोई वर्ड्स को कन्फ्यूज मिले, उसका कोई मीनिंग हमको समझ ना आए, तो हम क्या करते हैं उसको लेके कॉपी करके गूगल में जाके वो सर्च करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैंने ऐसे एक चीज़ के बारे में बात करना हो, एप्स के बारे में, एक फीचर्स के बारे में बात करने जा रहा हो, जिसके लिए आपको कोई वहाँ से जाने का जरूरत नहीं है। जिस वर्ड को आपने कन्फ्यूज है, जो आपको अर्थ नहीं समझ आ रहा है, आपको मीनिंग पता नहीं, उस मीनिंग को जानने के लिए सिर्फ उसी वर्ड को आपको क्लिक करना पड़ेगा। वो क्लिक करने से वो डिटेल्स आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं ये क्या है और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी प्ले स्टोर में आया हूँ। प्ले स्टोर में मेक टैप जो ऐप है वो मैं सर्च कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं इधर। तो मेक सर्च पीडीएफ ब्राउज किया हो, अभी देखा रहे हैं आप लोग को देख रहे हैं। तो ये मैं अभी इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल पर मैं अभी क्लिक करूँगा। देखिए इंस्टॉल हो रहा है। तो आप इंस्टॉल में 2-1 मिनट टाइम भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका डाटा के ऊपर और डाटा हाई स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए जैसे इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद और इसको कैसे यूज़ करते देखेंगे। जब भी हम ये ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये देखिए ये विजुअल जो आ रहा है, ये न्यूज़ फीड जो आ रहा है ब्राउज़र की तरह, ये सारा कुछ आ रहा है। आप यहाँ पर एक लैंग्वेज सिलेक्शन आएगा, आप इंडियन लैंग्वेज फॉरन लैंग्वेज भी सिलेक्ट, आप जिस लैंग्वेज का वो मीनिंग चाहते हैं, आपको वो वर्ड चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज में रीजनल हो और इंटरनेशनल हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए वो कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आपका सिलेक्ट किया है, ये सारे ब्राउज़र आप आएगा, ऐसे न्यूज़ फीड वगैरह आ रहेगा। तो उसके बाद आपको ये क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे आप इसे लॉगिन कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी सोशल मीडिया पे जाके आप ये कर सकते हैं। करने के बाद आप ये सारे कुछ देखिए, सारे डिटेल्स में ये ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सारे कुछ डिवाइडेड वगैरह है। तो आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अभी हम ये को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए क्या कि न्यूज़ में, जैसे मैं आप गूगल पर जाके न्यूज़ सर्च किया, अगर कोई पीडीएफ फाइल हो कुछ भी, जैसे मैंने एक आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आप रीडिंग कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें 20 में से अगर मान लो आपको किसी का कोई एक वर्ड आपको मीनिंग पता नहीं है, आप वही को मीनिंग आपको अपना लैंग्वेज में मीनिंग चाहिए, तो आप उस वर्ड को जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसका जो वर्ड है, उसका जो मीनिंग है, वो आप वहाँ शो करेगा। वो मैं आपको डिटेल्स दिखा दूंगा कैसे वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फायदापन है। आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करके, इस ऐप को यूज़ करके आप कोई भी शब्द का मीनिंग, कोई वर्ड का मीनिंग आप इजीली जान सकते हैं। आपके कोई टॉपिक्स में अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आप ही हम क्या करेंगे, इसमें मान लो आपका व्हाट्सएप पे किसी ने पीडीएफ फाइल भी भेजा है, वो भी फाइल आप ओपन करके आप सेम कैटेगरी से आप कर सकते हैं। आपको दूसरे कोई गूगल सर्च करने का ज़रूरत नहीं होगा, यही पे आपका वर्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो ऐप्स है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऐप्स है। आप कोई रीडर के लिए, कोई न्यूज़ रीडर के लिए, स्टूडेंट के लिए, कोई भी हर एक बंदे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ऐसे देखिए, मैंने पीडीएफ फाइल में ओपन किया है, पीडीएफ फाइल मालूम मैं ओपन कर रहा हूँ, कोई भी अपने भेजा है पीडीएफ फाइल ओपन किया हो, किसी में पीडीएफ फाइल अब दिख रहा है जो हमारा ऐप से उसमें हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप दिख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मान लो ऐसे देखते देखते आपको पढ़ते पढ़ते कोई एक वर्ड्स का जो मीनिंग है आपको देखिए, जैसे आप पब्लिश का कोई पता नहीं था, मैंने आपको दिखा दिया मिसाल के तौर पर, जैसे आपको सिलेक्ट करना है, बस उसी का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका आपको मीनिंग्स आ जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन का क्या है वो सोचना है, जस्ट उसी में आ जाएगा, बैक टू बैक आपका मेन पेज में लेके आ जाएगा। उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आपको यूज़ करने में बहुत ही ईजी है और आसान है। आप ये बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ आप ये ऐप जो है यूज़ करके आपका लैंग्वेज का कोई भी लैंग्वेज का फ्लुएंसी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को इनक्रीज करें, और ताकि आपका कोई टॉपिक्स या कोई भी चीज़ का मीनिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, तो बेसिकली आप इस तरह का कोई बेसिकली कोई वर्ड का मीनिंग, कोई सेंटेंस का मीनिंग के लिए आप ये ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का और वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जो मैंने ऐप्स दिखाया ये टोटली फ्री है, प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इजी करना भी, यूज करना भी बहुत ही इजी है, मैं बहुत यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर इसको यूज करें तो इसमें ब्राउजर भी है, आप कोई भी चीज इसमें ब्राउज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं MLDF एडुकेशन कोर्स रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और यूनिवर्सिटी रिलेटेड वीडियो भी बनाते, कभी कभी मैं बनाता हूँ। तो NMC का एक नया गाइडलाइन भी है, वो भी मैं रिसेंट बनाऊंगा ऑफिस जाके। तो आप लोग इस तरह का और वीडियो देखने के लिए, कोई नया इन्फॉर्मेशन के लिए MLDF एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो इतना।